इंडियन यूथ कांग्रेस ने आज यूथ कांग्रेस की रियासती जिला असेंबली यूनिट के तंजीमी इंतखाबात के रखात के लिए अनंतनाग के लिए रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया है। मुल्क के रखीब कांग्रेस के यूथ लीडर और ZRO इलेक्शन कमीशन प्रमोद बशात ने ऐलान किया है कि मेंबरशिप जो 5 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक खुली रहेगी। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए मुल्क के रखीब साबिक यूथ कांग्रेस वर्किंग असम कोऑर्डिनेटर ने नौजवानों से कहा कि वो मुल्क की सबसे पुरानी और पुरानी सियासी पार्टी कारकुन बनने के लिए आगे आए जिसकी मुल्क के लिए आजादी हासिल करने की तारीख है और आजाद हिंदुस्तान में जमहूरियत को मसावी मौके के साथ मजबूत करना है। मेरा नाम प्रमोद बिस्टे, मैं उत्तराखंड से आया हूं और मैं यहां पे युवा कांग्रेस का जोनल प्रभारी के रूप में यहां पे काम कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 14 फरवरी को जम्मू में हमने युवा कांग्रेस की मेंबरशिप को लॉन्च किया। आज हम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इसी सिलसिले में आए हैं और 16 फरवरी तक हमारे नॉमिनेशन होंगे, 23 फरवरी तक ऑब्जेक्शन होगा और नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 24-25 फरवरी तक स्क्रूटनी होगी। इसमें 26 को नॉमिनेशन फाइनल हो जाएंगे, उसके बाद मेंबरशिप शुरू हो जाएगी और मेंबरशिप के साथ साथ वोटिंग की प्रक्रिया भी एक साथ शुरू होगी। तो मेंबरशिप पाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, जिसको अगर मेंबरशिप चाहे यहाँ पे जो भी युवा हो उसको मेंबरशिप पाने के लिए 18 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए और वो ऑनलाइन हमारे विद आईवाईसी ऐप में जा करके ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं, मेंबरशिप कर सकते हैं। जी, आज के हवाले से आज यहाँ पे आपका विजिट क्या है और आप यहाँ पे किस लिए आए हो सर? यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हमारा युवा कांग्रेस का चुनाव अभियान शुरू हो चुका है, इसी सापेक्ष में हम आज कश्मीर के अनंतनाग जिले में आए हैं और यहाँ पे हम युवा कांग्रेस के साथियों को मेंबरशिप के बारे में बताने आए हैं और कैसे चुनाव प्रक्रिया हमारी होगी नॉमिनेशन से लेकर और वोटिंग तक, इस संबंध में आज युवा कांग्रेस के लोगों से हमें मिलना है। क्या लगता है आपको, खासकर यहाँ पे जो भाजपा की गवर्नमेंट चल रही है, आपकी क्या राय है इसमें, खासकर युवा कांग्रेस का क्या रोल रहेगा यहाँ पे आने वाले टाइम में? युवा कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण रोल घाटी में रहने वाला है और मुझे लगता है कि युवा कांग्रेस के सभी लोग इस समय बढ़ चढ़ करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और घाटी के लोगों को समझाएंगे कि कांग्रेस ही मतलब घाटी को अमन चैन ला सकती है। क्या लगता है, पिछली बार आपने यहाँ पे एक भारत जोड़ो यात्रा की थी राहुल जी ने, उसके साथ साथ जो खासकर युवा कांग्रेस यहाँ पे वो भी उसके साथ कुछ नए चेहरे आप यहाँ पे देखने को मिल रहे सर, इसके बारे में क्या राय और आने वाले टाइम में क्या रोल रहेगा जो नए चेहरे यहाँ पे आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, राहुल जी से हमारा जो युवा एक बार देख लिया राहुल जी को या उनसे मिल लिया तो राहुल जी के साथ कांग्रेस को जुड़ने को तैयार है और घाटी में हम पिछले 5-6 दिन से घूम रहे हैं तो युवा हमसे कह रहे हैं कि हम राहुल जी के लिए हम कांग्रेस में आ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं ने बहुत जोरदार स्वागत घाटी में किया, इसलिए हम घाटी के युवाओं का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे नेता का जोरदार स्वागत घाटी में। अगर हम जिले अनंतनाग की बात करें, यहाँ पे बहुत शोर शराबा रहा जब राहुल जी आए यहाँ पे, लेकिन कहीं कारणों से यहाँ पे उसको पद यात्रा करने नहीं दी, तो उसके बारे में खासकर कांग्रेस ने क्या स्टेप उठाया? वो क्यों नहीं करने दिया, वो तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है कि राहुल जी जब चलेंगे अनंतनाग में बहुत अच्छा कांग्रेस का माहौल था, बहुत अच्छी भीड़ यहाँ पे लगनी थी, उनको यात्रा को दबाने की कोशिश की थी, वो तो चाहते थे कि लाल चौक तक राहुल जी पहुँचे नहीं, पर राहुल जी का मकसद था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना, वो उन्होंने कहा। क्या मैसेज रहेगी आपको खासकर जम्मू कश्मीर के लिए? जम्मू कश्मीर के लिए हम एक मैसेज देंगे कि हम सभी युवाओं को बोलेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है, युवा कांग्रेस से जुड़ी है और एक बहुत अच्छा मौका कांग्रेस पार्टी आपके बीच लेके आई है। ये किसी पार्टी में नहीं है कि चुनाव की प्रक्रिया के तहत लोग हमारे युवा चुनकर के